हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टनल डायोड। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टनल डायोड क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, टनल डायोड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है और ये कम से कम 10 मार्क्स का आता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसको समझना बहुत ही ईजी है, ये ईजी भी है और आता भी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको करना ही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंसन किए हुए हैं जो आपको याद रखना है और एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि टनल डायोड क्या होता है। देखिए, हम टनल डायोड को इसाकी डायोड भी बोलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको इसाकी डायोड क्यों बोलते हैं। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लियो इसाकी। लियो इसाकी ने क्या काम किया था, टनल डायोड का रिसर्च किया था, इसीलिए हम उनके नाम पर ही इसको बोल देते हैं, क्योंकि उनका नाम था लियो इसाकी। तो हम इस डायोड को इसाकी डायोड भी बोल देते हैं। टनल डायोड इज़ अल्सो कॉल्ड इसाकी डायोड। टनल डायोड को हम इसाकी डायोड भी कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंट्स बाय TD और हम इसको रिप्रेजेंट्स करते हैं TD से। इन टनल डायोड बोथ पी एंड एन रीजन आर हैविली डोप्ड। हमारा जो टनल डायोड में होता है, एक पी टाइप मटेरियल होता है और एक एन टाइप मटेरियल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में हैविली डोप्ड करते हैं, जैसे कि इधर हमारा पी टाइप हो गया, इधर हमारा एन टाइप हो गया, ये डायोड है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो डोपिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा होगी, जो इधर होल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, और एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है हैविली डोप्ड, यानी कि कम जगह में हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या होल्स को डोपिंग कराते हैं, उसको बोलते हैं हम हैविली डोप्ड। अब देख लेते हैं कि जो हमारा टनल डायोड होता है वो किस किस मटेरियल के यूज से हम बना सकते हैं। दी गैलियम आर्सेनाइड, GES को बोलते हैं हम गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल इज़ यूज टू मेक दी टनल डायोड, यानी कि टनल डायोड को बनाने के लिए हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या करते हैं। देयर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मटेरियल सच एज जर्मेनियम आर्सेनाइड एंड सिलिकॉन। और हम टनल डायोड को बनाने के लिए सिलिकॉन का भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम आर्सेनाइड। जर्मेनियम आर्सेनाइड तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर हम सिलिकॉन का भी यूज़ कर सकते हैं उसको बनाने में। इट इज जनरेट लो नॉइज़ माइक्रोवेव। हम इसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये लो नॉइज़ माइक्रोवेव को जनरेट करता है। जो माइक्रोवेव होती है ना, उसको ये जनरेट करता है और उसमें कोई भी नॉइज़ नहीं होती, मतलब आवाज़ वगैरह नहीं होती, जो बाहर की जो हमारी आवाज़ होती है ना वो नहीं होती उसमें, ये सिर्फ माइक्रोवेव को जनरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्विचिंग टाइम इज़ वेरी लेस, और जो इसका स्विचिंग टाइम है ना वो बहुत स्मॉल है, यानी कि ये बहुत फास्ट वर्क करता है। जब इसका स्विचिंग टाइम बहुत स्मॉल होगा तो सिंपल सी बात है, यानी कि ये वर्क क्या करेगा, बहुत फास्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्विचिंग टाइम इज़ वेरी स्मॉल, स्विचिंग टाइम मतलब स्विचिंग में ये बहुत ज़्यादा बहुत कम टाइम लेगा, यानी कि इसका जो इफिशेंसी है, या हम बोल सकते हैं कि इसका ये जो आउटपुट देता है वो बहुत फास्ट देता है, ये वर्क बहुत फास्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नैरो डिप्लीशन लेयर विंथ, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है, जैसे कि यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर बनती है फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पी एन जंक्शन में, जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पी और एन, ठीक है फ्रेंड्स, मटेरियल है यहाँ पे, ये पी साइड है इधर और इधर एन साइड है, और जो ये बीच में डिप्लीशन लेयर होती है ये बहुत कम होती है टनल डायोड के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कम क्यों होती है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हम इसमें हैविली डोप्ड कराते हैं। जब हम इसमें हैविली डोप्ड कराएंगे, होल्स ज़्यादा कराएंगे और इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा डोपिंग कराएंगे, तो ये जो लेयर है ये कम हो जाएगी, क्योंकि इसका फोर्स इधर होगा, होल्स का फोर्स इधर होगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स इधर होगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
ये लेयर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसकी जो डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना नैरो, मतलब कम, नैरो डिप्लीशन लेयर विंथ, यानी कि डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई होती है वो नैरो होती है, यानी कि कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इट इज़ यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर एंड एम्पलीफायर, और हम इसका यूज़ करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी देता है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब आपने इसको कोई भी सिग्नल दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है, और ये क्या वर्क करेगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत फास्ट करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा बना देगा। ये देखिए ऐसे कम जगह में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई हो जाएगी, यानी कि ये एम्पलीफायर का भी वर्क करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये होता है, इट इज़ यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर एंड एम्पलीफायर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर हो सकता है, हम इसका यूज उसमें करते हैं, और एम्पलीफाई में भी इसका वर्क कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता देता हूँ कि टनल डायोड का सैम्बल कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। टनल डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया। जो हमारा सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है उसका सिंपल होता है ऐसा, ये ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। पी साइड इधर, एन साइड इधर, यानी कि एनोड, एनोड इधर और कैथोड इधर। और इसमें क्या होता है, इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, हम ऐसे जो ये आ रहा है ना इसमें ये आ जाता है हमारा टनल डायोड में, और हमारा इधर होता है एनोड, इधर होता है कैथोड, यानी कि इधर पी साइड इधर होल्स, इधर एन साइड इधर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है कि कैसे होता है, देखो पी साइड में क्या होता है, होल्स होते हैं, एन साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा टनल डायोड में होता है कि जो भी हमारी ये डिप्लीशन लेयर है, ये जो बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि हमारी जो डोपिंग होती है पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल की, वो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए फ्रेंड्स, इस बात को आप याद रखिए कि हमारी टनल डायोड में जो डोपिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई डोपिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी जो ये डिप्लीशन रीजन है, जो ये डिप्लीशन लेयर है वो बहुत ही कम हो जाती है। इट विल एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस, और इसमें हम क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस पे वर्क करता है। इट विल एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस पर बेस्ड होती है, या इस तरीके से ये वर्क करती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये याद रखना है। नेगेटिव रेजिस्टेंस इट मीन्स दी करंट अक्रॉस दी टनल डायोड डिक्रीज व्हेन दी वोल्टेज इंक्रीज। इसका मतलब होता है जब भी आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, ठीक है फ्रेंड, आपने वोल्टेज इंक्रीज़ की, आपने यहाँ पे सप्लाई दी, सपोज कीजिए यहाँ पे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दी आपने इसको, तो जब आप इसको सप्लाई दोगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जितनी भी ज़्यादा आप वोल्टेज दोगे तो उसका करंट उतना ही कम फ्लो होएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ये मतलब होता है, जितने भी आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो हमारा जो करंट है वो उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ही बोलते हैं हम नेगेटिव रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद ही रखना है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं टनल डायोड बेस्ड ऑन द टनलिंग इफेक्ट, और जो हमारा टनल डायोड होता है वो बेस्ड होता है टनलिंग इफेक्ट पर, और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, नेगेटिव रेजिस्टेंस और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टनल डायोड का, जो हमारा यानी कि आपको टनलिंग इफेक्ट को याद रखना है, एक तो नेगेटिव रेजिस्टेंस और एक टनलिंग इफेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ये है ना टनलिंग इफेक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारा टनलिंग इफेक्ट होता है वही वर्किंग प्रिंसिपल होता है हमारा टनल डायोड का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टनलिंग इफेक्ट क्या होता है। देखिए टनलिंग इफेक्ट होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये है आपका पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है, तो जो हमारा सिंपल डायोड होता है पीएन जंक्शन जो डायोड होता है, उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पोटेंशियल डिफरेंस से कम होती है, वो करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि वे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकते, ठीक है फ्रेंड्स।
जो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इनकी एनर्जी कम है पोटेंशियल डिफरेंस से, तो वे इधर नहीं जा सकते, इधर मूव नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स, इधर से इधर नहीं जा सकते पीएन जंक्शन डायोड में। और जो हमारा टनल डायोड होता है उसमें क्या होता है कि अगर हमारे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम भी है ना इस पोटेंशियल डिफरेंस से, तो ये इलेक्ट्रॉन तब भी यहाँ पे मूव कर जाते हैं, यही मेन बात होती है टनल डायोड की, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको ही हम बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। और फिर वे इलेक्ट्रॉन भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जिसके पास एनर्जी कम होती है पोटेंशियल डिफरेंस से, वे भी हमारा जो करंट होता है, जो हमारा करंट फ्लो करता है उसमें पार्टिसिपेट कर जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। या हम बोल सकते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी कम होती है पोटेंशियल डिफरेंस से, वे भी पार्टिसिपेट करते हैं करंट में, जो हमारी जो करंट फ्लो होती है ना उसमें वे भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये पेनिट्रेट होकर इधर आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये डिप्लीशन लेयर है, इसको पेनिट्रेट कर देंगे और इधर आ जाएगी, यानी कि इसको पार कर देंगे और इधर आ जाएगी, इसको ही बोलते हैं हम टनलिंग इफेक्ट। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डिप्लीशन विंथ ऑफ टनल डायोड इज़ वेरी नैरो। जो हमारी डिप्लीशन विंथ विंथ जो होती है, यानी कि जो हमारी जो डिप्लीशन लेयर है, जो उसकी चौड़ाई है, उसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा नैरो होती है, ठीक है फ्रेंड्स। डिप्लीशन विंथ ऑफ टनल डायोड इज़ वेरी नैरो, यानी कि जो भी हमारे टनल डायोड की जो विंथ है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इन दी टनल डायोड इज़ हैविली डोप, वो क्यों होती है और कम, क्योंकि हम उसमें हैविली डोपिंग करते हैं। मैंने आपको बताया ना जो हमारी लेयर होती है टनल डायोड की, वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि हम उसमें पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल की हैविली डोप्ड करते हैं, इस वजह से उसकी जो डिप्लीशन लेयर है, या हम बोल सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर एक ही बात होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसकी वो बहुत कम होती है। अब हम आगे देखते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विच इज़ लेस एनर्जी देन पोटेंशियल बैरियर, दे मे बी पेनेट्रेट टू पोटेंशियल बैरियर। इसका मतलब क्या हुआ, वे इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि वे इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम है, लेस एनर्जी देन पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर से, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है पोटेंशियल बैरियर से, दे मे बी पेनिट्रेट टू पोटेंशियल बैरियर, वे भी उसको पार कर जाएगी, यानी कि पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है पोटेंशियल बैरियर से, या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स, या पोटेंशियल बैरियर से कम होती है, वे इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे या पेनिट्रेट हो जाएंगे हमारे पी साइड की ओर, ठीक है फ्रेंड्स, जो है हमारा पी साइड है ना, इधर पेनिट्रेट हो जाएंगे, तो जिनकी वजह से हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। अब देखते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन आर टेक पार्ट इन करंट, तो फिर वे इलेक्ट्रॉन भी हमारे टेक पार्ट करेंगे करंट में जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपके टनलिंग इफेक्ट समझ आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है और टनलिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। देखिए, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। देखिए, इधर हमने लिया वोल्टेज, इधर हमने लिया करंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। नंबर 1, सपोज कीजिए हमने इसमें कोई भी करंट को फ्लो नहीं किया, यानी कि हमने इसको कोई भी सप्लाई नहीं दिया, वोल्टेज नहीं दी, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा ये पी टाइप है, पी टाइप मटेरियल, ठीक है फ्रेंड्स, इधर हमारा पी टाइप हो गया और इधर हमारा एन टाइप हो गया, और ये बीच में डिप्लीशन लेयर हो गई या डिप्लीशन रीजन हो गया, ठीक है फ्रेंड, डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन विंथ भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें होल्स है और इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज कीजिए इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, हमने इसको यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं दिया अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा
वोल्टेज करंट, यह ना देखो यहाँ पे देखिए आप, करंट और वोल्टेज, मैंने सिर्फ इतना ही बनाया इसको अभी, ये और ये। तो क्योंकि ना तो हमने यहाँ पे कोई वोल्टेज दी अभी तक, तो करंट भी फ्लो नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे सप्लाई नहीं दी कोई भी, हमने यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं दी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर क्या होएगा सेकंड स्टेप में, स्टेप वन हो गया ये। तो स्टेप टू में क्या होगा फ्रेंड, स्टेप टू में होगा जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से और एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव से, ठीक है फ्रेंड्स। और जब भी हम इसको कनेक्ट कर देंगे और हमने इसको थोड़ी सी वोल्टेज दी, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इधर, जिससे कि हमारी करंट जो है वो फ्लो होने लगेगी। जैसे कि इधर वोल्टेज है ना और इधर करंट है, तो हमारी करंट फ्लो होने लगेगी फ्रेंड्स। सपोज कीजिए यहाँ तक फ्लो हुई, हमने वोल्टेज यहाँ तक इंक्रीज़ किया, तो वोल्टेज यहाँ तक, करंट हमारा इतना हो गया, हमने वोल्टेज यहाँ तक इंक्रीज़ की यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा करंट भी यहाँ तक इंक्रीज़ हो गया, ये जा रहा है ना। जब भी हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। और हमने स्टेप थर्ड में ये यहाँ तक आ गया फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कि ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। और जब भी हमने फिर से दोबारा की स्टेप थर्ड मान लेते हैं हम उसको, हमने और ज़्यादा इंक्रीज़ की, इंक्रीज वोल्टेज, इंक्रीज वोल्टेज, तो वोल्टेज इधर है और करंट इधर है। तो अगर ये कहाँ तक आया था, यहाँ तक, अब तक तो मैंने इसका यहाँ तक बनाया, जैसे कि ये डायग्राम बनाया यहाँ तक, और हमने फिर क्या किया, वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारा करंट भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करेंगे, फर्दर इंक्रीज, फर्दर इंक्रीज वोल्टेज, हम वोल्टेज को फिर से इंक्रीज करेंगे। तो क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पर बना दिया ना ब्लू, सेम ऐसा बनाया। फिर अगर हम वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो करंट नहीं बढ़ पाएगी, करंट कम हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस पे वर्क करने लगेगा उस टाइम पे, ठीक है फ्रेंड्स। इधर हम और बढ़ा देते हैं वोल्टेज को, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पीक पॉइंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। जब भी हम और ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, फिर हमारी करंट जो है डिक्रीज होने लगेगी, यानी कि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस पे चला जाएगा। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा करंट डिक्रीज होने लगेगा, फिर ये नेगेटिव रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा। और जब ये करंट डिक्रीज होने लगेगा जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को बोलेंगे हम पीक पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। और जहाँ पे ये करंट होगी, इस पॉइंट, पीक पॉइंट पे जो करंट होगी उसको हम बोलेंगे पीक करंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीक करंट। और उस वोल्टेज को नीचे देखे, ये वोल्टेज है ना, उस वोल्टेज को बोलेंगे हम पीक वोल्टेज, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर जहाँ तक ये नेगेटिव रेजिस्टेंस चलता है, और फिर से हम क्या करते हैं, स्टेप 5, समझिए आप, स्टेप 5, वोल्टेज इधर, करंट इधर, ये यहाँ तक आ गया था फ्रेंड्स, ये यहाँ तक, ये पीक पॉइंट हो गया था, और ये यहाँ तक नेगेटिव, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव रेजिस्टेंस हुआ हमारा। और फिर जब हम फिर से लार्ज अमाउंट में वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, तो ये फिर से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे वैली पॉइंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे वैली पॉइंट। सबसे पहले हमने वोल्टेज इंक्रीज़ की, दोबारा समझिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया तो हमारा करंट भी इंक्रीज़ होने लगा, हमने फिर से वोल्टेज को इंक्रीज़ किया और ज़्यादा, तो ये और ज़्यादा फिर से इंक्रीज़ होने लगा करंट। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे और ज़्यादा, तो हमारा करंट डिक्रीज़ होने लगेगा, यानी कि हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस की तरह इसने यहाँ पे वर्क किया। जब भी हमने वोल्टेज को इंक्रीज़ किया यहाँ पे, तो हमारा जो करंट है वो डिक्रीज़ होने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जहाँ से फिर हम वोल्टेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, तो फिर से हमारा करंट फ्लो होने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जा रहा है ना ये, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे वैली पॉइंट। और जो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी उसको बोलेंगे हम वैली वोल्टेज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वैली वोल्टेज। और जो हमारा करंट होगा उसको बोलेंगे हम वैली करंट, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरी वीडियो को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।